अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की वीडियो आप लोगों के लिए एक हाईली प्रॉफिटेबल वीडियो होने जा रही है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं केमिकल सेक्टर की एक बेहतरीन कंपनी, जो कि हर क्वार्टर में बाकायदगी से डिविडेंड देती है और अभी इसने अपनी बोर्ड मीटिंग की डेट भी अनाउंस कर दी है, इस वक्त सस्ते तरीन कीमत में मिल रही है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप इसमें अभी बाइंग करके शॉर्ट टर्म में एक अच्छा कैपिटल गेन डिविडेंड कमा सकते हैं, क्योंकि बोर्ड मीटिंग की डेट अनाउंस हो गई है। तो कंपनी में इस वक्त एक चार मुझे नज़र आ रहा है, जो कि आपको एक अच्छा प्रॉफिट दे सकता है स्टॉक मार्केट में। व्यूअर्स, आपने देखा होगा कि कल इलेक्शन के रिजल्ट भी आ गए हैं और आने वाले दिनों में एक स्टेबल गवर्नमेंट आ जाएगी, जो कि 5 साल के लिए होगी। तो ऐसी सूरत में स्टॉक मार्केट एक अच्छा परफॉर्मेंस दे सकती है और ये स्टॉक जिसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये शेयर मार्केट के ट्रेंड को और इकोनॉमिक के जब ग्रोथ होती है तो उस वक्त ये स्टॉक जो है वो डबल स्पीड से ग्रो होता है। तो ये एक ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी है और साथ साथ हर क्वार्टर में डिविडेंड देने वाली कंपनी है, और आप समझ लें कि ये इस वक्त हर इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो का हिस्सा है ये शेयर। तो व्यूअर्स, जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ वो है एंग्रो पॉलीमर एंड केमिकल लिमिटेड। APCL ने अभी अपनी बोर्ड मीटिंग की डेट अनाउंस की है, तो आज मैं इसको आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूँगा, इसके फंडामेंटल्स का जायज़ा लूँगा और मैं आपको बताऊँगा कि कितना गेन, कैपिटल गेन और डिविडेंड आपको मिल सकता है, और वो भी शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म के लिए तो ये स्टॉक है ही आपके लिए बेनिफिशियल, लेकिन शॉर्ट टर्म में भी अभी बहुत अच्छा गेन दे सकता है। तो व्यूअर्स, वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव होने जा रही है, मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं EPCL की करंट प्राइस की। करंट प्राइस इस वक्त 47 रुपीज़ पर ही क्लोज हुआ है आज। इस वक्त अगर मैं बात करूँ तो ये डिस्काउंटेड प्राइस है इसकी, क्योंकि अगर इंट्रेंसिक वैल्यू की बात की जाए तो 70 to 80 रुपीज़ के दरमियान इसकी इंट्रेंसिक वैल्यू बनती है। तो जो भी स्टॉक इंट्रेंसिक वैल्यू से कम होता है तो वो फ्यूचर में इंट्रेंसिक वैल्यू पर ज़रूर आता है। तो ये स्टॉक मार्केट का एक रूल है और आप लोगों को पता होना चाहिए, जो लोग स्टॉक मार्केट में काम करते हैं तो स्टॉक मार्केट में रूल्स एंड रेगुलेशन को जो लोग फॉलो करते हैं तो वो हमेशा सक्सेस उनको मिलती है स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने की। तो टाइमली, एक तो टाइमिंग बहुत ज़रूरी है स्टॉक मार्केट में, किसी भी स्टॉक को अगर आप बाय सेल करना है तो उसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। तो ऐसे टाइम पे किसी भी स्टॉक को अगर आप बाय करेंगे कि जो डिविडेंड देने वाला हो, बोर्ड मीटिंग अनाउंस हो गई हो और साथ साथ प्राइस डिस्काउंटेड हो, तो गारंटेड प्रॉफिट आपको मिलेगा। तो अब EPCL में जो मुझे चार्ट नज़र आ रहा है वो ये है कि ये आने वाले दिनों में 50 का लेवल क्रॉस कर लेगा। तो 3 रुपये का एक तो ये कैपिटल गेन आपको मिल सकता है और साथ साथ डिविडेंड भी, मैं आपको बताऊँगा कि डिविडेंड ये कितना देने जा रहा है। तो मार्केट कैप की बात करते हैं, 44 बिलियन की इसकी मार्केट कैप है। EPS 3 क्वार्टर का है 2023 तक और 6 रुपये का इसका EPS आ चुका है, और आखिरी क्वार्टर का भी डिविडेंड अनाउंस करेगा तो 2.5 से 3 रुपये का ये डिविडेंड इजीली दे सकता है, क्योंकि अर्निंग ऑलमोस्ट इसकी 3 से 4 रुपये की अर्निंग होगी लास्ट क्वार्टर की। तो 9 रुपये की अर्निंग है और 5 रुपये का ये डिविडेंड पहले दे चुका है। तो इसकी जो डिविडेंड ये ईयरली देता है वो 8 से 12 रुपये का ये ईयरली डिविडेंड देता है। तो अभी भी ये 3 से 4 रुपये का डिविडेंड एक्सपेक्टेड है कि ये 3 रुपये का डिविडेंड इस बोर्ड मीटिंग में अनाउंस कर दे। तो 3 रुपये का डिविडेंड और प्लस 3 रुपये का कैपिटल गेन, तो 6 रुपये का ये गेन आपको विद इन अ मंथ में मिल सकता है शॉर्ट टर्म में, और वो भी गारंटेड। बुक वैल्यू इसकी 31 है और ईयरली डिविडेंड मैंने आपको बताया कि 10 से 12 रुपये का ये ईयरली डिविडेंड देता है। तो एक्सपेक्टेड है कि ये इस क्वार्टर में भी अच्छा डिविडेंड अनाउंस कर दे कंपनी। हिस्ट्री का हाई 93.48 है, जो कि 2022 में इसमें बनाया था। तो बहुत अच्छी रैली बनी थी इस स्टॉक में और काफ़ी तेज़ी से ऊपर गया था, इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिया इस शेयर ने, और अभी भी ये स्टॉक जो है वो हर इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में है और डिविडेंड देने वाला स्टॉक है, चारों क्वार्टर में बाकायदगी से डिविडेंड देता है। तो जो लोग स्टॉक मार्केट में नए हैं तो उन लोगों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करके डिविडेंड और कैपिटल गेन कमाएं, वो भी शॉर्ट टर्म में। तो व्यूअर्स, मेरी कोशिश होती है कि मैं टाइमली आपको अच्छे से अच्छे स्टॉक के बारे में गाइड करूं, ताकि आप लोग स्टॉक मार्केट से ज़्यादा पैसा कमाएं और मुझे अपनी रो में याद रखें। तो आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल साबित हुई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें,
ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।